मुंबई सीरियल मंगल लक्ष्मी में ये शांति देवी सुधरने से रही नहीं। एक बार फिर से शांति देवी ने लक्ष्मी के साथ धोखा किया है और लक्ष्मी की साड़ी अपनी बेटी को पहना दिया है। तो क्या है पूरी डिटेल, आइए जानते हैं। सीरियल मंगल लक्ष्मी में हम देखेंगे कि किस तरह से गायत्री का बर्थडे सेलिब्रेट होगा। गायत्री के बर्थडे के मौके पे गायत्री अपनी बहू लक्ष्मी के लिए अपने पसंद का साड़ी भेजती है ताकि लक्ष्मी वही साड़ी पहन के सबके सामने आए, क्योंकि गायत्री सबके सामने अपने बेटे के लिए जो पसंद की है उसकी बहू उसे मतलब कार्तिक की जो सगाई है उसे सबके सामने अनाउंस करेगी। लेकिन ये शांति देवी एक नंबर की लालची औरत है। शांति देवी ने बड़े ही चालाकी से कार्तिक ने जो लक्ष्मी के लिए साड़ी दिया था उस साड़ी को लिपिका को पहना देती है। उसके बाद गायत्री और कुसुम दोनों शांति देवी पे काफी भड़कते हुए नजर आते हैं। फिर जब गायत्री सगाई अनाउंस करती है तो सगाई के जो कपड़े और जेवर रहते हैं वो कुसुम के हाथ में देती है और वो कहती है कि डायरेक्टली जाके लक्ष्मी को पहना दे, क्योंकि अगर ये वापस से शांति देवी को सौंपा जाएगा तो ये जरूर इसमें कुछ ना कुछ उलटफेर करने वाली है, क्योंकि लक्ष्मी के माँ के जो भी गहने थे वो सब असली गहने नकली हो गए। और वो नकली गहने पहनाकर ही मंगल यानी कि शांति देवी ने अपनी बेटी मंगल को शादी में दिया था। इसका भी बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में, लेकिन जो भी होगा काफी इंटरेस्टिंग होगा और आपको काफी मजा आने वाला है। लेकिन फिलहाल लिपिका ने लक्ष्मी की साड़ी पहन ली है, एक बार फिर से लक्ष्मी के साथ धोखा हुआ है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें गपशप। तो